बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब कैबिनेट ने कल फेरबदल होगा, सूत्रों के हवाले से खबर मैं आपको बता रहा हूं। बलकार सिंह, चेतन सिंह, ब्रह्मशंकर, अनमोल गगन का इस्तीफा हुआ है, सूत्रों के हवाले से खबर है। हरदीप सिंह, तरुणप्रीत, बरिंदर गोयल, मोइंदर भगत अब मंत्री बनेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है। और कल शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से मैं वो नाम आपके लिए दोहरा देता हूं। पंजाब कैबिनेट में कल फेरबदल होगा। बलकार सिंह, चेतन सिंह, ब्रह्मशंकर, अनमोल गगन का इस्तीफा होगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। हरदीप सिंह, तरुणप्रीत, बरिंदर गोयल, मोइंदर भगत अब नए मंत्री बनेंगे। कल शाम 5 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण होगा। तो आखिर इसके कारण क्या है, इसके मायने क्या है, हमारे सहयोगी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि जो भगवंत मान की सरकार है उसमें कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। इसके कई मायने हैं, कैबिनेट में फेरबदल होगा। कौन कौन इस्तीफा देने वाले हैं मैं वो नाम आपको गिनवा देता हूँ। बलकार सिंह, चेतन सिंह, ब्रह्मशंकर, अनमोल गगन का इस्तीफा होगा। दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ, सीधा उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, इन फेरबदल के क्या मायने हैं, जरा समझाइए। विवेक, फेरबदल इसलिए भी किया गया है क्योंकि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में, उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा और इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी जो जो जिन जिन विधानसभाओं में जो नतीजे जो ठीक नहीं रहे उन मंत्रियों को भी इसलिए इस फेरबदल में उनका नाम आया है। और काफी दिनों तक सरकार के कामकाज को लेकर भी जो रिपोर्ट तैयार होती है, अक्सर मान सरकार जो है वो मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार करती है, उस रिपोर्ट में भी ये मंत्री खरे नहीं उतरे, ऐसी जानकारी सोर्सेस से मिल रही है। और यही वजह है कि 4 मंत्रियों का इस्तीफा जो है वो हो चुका है, ये खबर मिल रही है। और कल शाम 5 बजे राजभवन में 4-5 नए मंत्री जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। इस अहम जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।